हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग क्लास 9th का मैथ सॉल्व कर रहे हैं। एमएस बोर्ड से हम सिलेबस ले रहे हैं और हम प्रॉब्लम सेट 1 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर। मैं एक बार इसको पढ़ लेती हूँ, क्या है क्वेश्चन फोर। तो लिखा है 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by Pradnya। ठीक है, दो बच्चे होते हैं पार्थ और प्रज्ञा। तो 70 trees किसने प्लांट किया? पार्थ ने। एंड 90 trees किसने प्लांट किया? प्रज्ञा ने। ऑन द ओकेशन ऑफ ट्री प्लांटेशन वीक, कौन सा ओकेशन चल रहा था? ट्री प्लांटेशन वीक। तो उसमें उन्होंने ट्रीज प्लांट की। आउट ऑफ दिस 25 trees वर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ दैम टूगेदर। ठीक है, 25 trees ऐसी थी जो दोनों ने प्लांट की एक साथ मिलकर। हाउ मैनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा, मतलब कुल मिलाकर उन दोनों ने, पार्थ और प्रज्ञा ने कितनी ट्रीज प्लांट की। और आ गया, इसका मतलब कि हमें क्या निकालना है? यूनियन। अगर एंड रहता तो हम क्या निकालते? इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है? और एंड का ये जो डिफरेंस है, ये और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? और यानी कि ओवरऑल पार्थ या फिर प्रज्ञा दोनों का कॉमन कितना हुआ। तो जब कॉमन की बात आती है तो हम क्या लेते हैं? यूनियन। और जब सिंगल की बात आती है, इंडिविजुअल की बात आती है, तो हम क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि लेट पी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ। ठीक है, इधर हम सॉल्यूशन करके लिख देते हैं, लेट पी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ, है ना। अब प्रज्ञा का नाम भी पी से है तो हम इसको ए से लिख दें, ए से डिनोट कर देंगे। तो एन ए क्या है? नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा। ठीक है, तो अब एन ऑफ पी कितना हो जाएगा? एन ऑफ पी हो जाएगा 70, क्योंकि पार्थ ने 70 trees प्लांट की। एंड एन ऑफ ए कितना हो जाएगा प्रज्ञा के लिए? 90, क्योंकि उसने 90 trees प्लांट की। आउट ऑफ दिस 25 trees वर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर। बोथ 25 trees उन दोनों ने मिलके बनाई, प्लांट की। तो मतलब एन ऑफ पी इंटरसेक्शन ए किसके बराबर हो गया? 25 के बराबर। ठीक है, जो ट्रीज उन दोनों ने प्लांट की, तो 25 क्या हो गया? एन ऑफ पी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हाउ मैनी ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा और पार्थ। तो देयर फॉर हमारे पास एक इक्वेशन होती है, एन ऑफ पी यूनियन ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन ए। दिस इज सो सिंपल। ठीक है, हमें बस यहाँ पर वैल्यूज पुट अप करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 plus 70 कितना हो गया? 14 plus 2 16, 160 माइनस 25, तो ये कितना मिल गया हमें? 135। आंसर इज 135। यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 5 5, एंड दिस इज 5 minus 2 3, एंड दिस इज 1। ठीक है, 135। तो आंसर इज द नंबर ऑफ ट्रीज, यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे, द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा इज 135। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कितना इजी था ये। हमें सिर्फ बताना था कि यूनियन निकालना था उसका। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, दिख रहा है प्रॉपर, इफ एन ऑफ ए इज 20, एन ऑफ बी इज 28,
एन ऑफ ए यूनियन बी इज 36 देन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें बताना है। ये भी बहुत ईजी है, अगर हमें इक्वेशन पता हो तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 36 इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए की वैल्यू है 20, एन ऑफ बी की वैल्यू है 28 माइनस, ये हमें फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसे एज इट इज रहने देंगे। क्लियर? तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 36 को भी एज इट इज रहने देते हैं, इक्वल टू का साइन, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 8 एंड यस 4, 48 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें ये अगर फाइंड आउट करना है तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 48 एज इट इज, और ये प्लस में था तो इधर आकर माइनस में हो गया। ठीक है, तो अब एन इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 3 1, सो योर आंसर इज 12, दिस इज योर आंसर, इसे हम कर देंगे बॉक्स में। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 6, दिख रहा है प्रॉपरली? क्वेश्चन नंबर 6, इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग एज देयर पेट एनिमल एट होम। ठीक है, एक क्लास थी जहाँ पर 8 स्टूडेंट्स थे, 28 में से 8 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कुत्ता पाल रखा था अपने घर पर। ठीक है, 6 स्टूडेंट्स हैव अ कैट एज देयर पेट एनिमल, 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कैट यानि बिल्ली पाल रखी थी। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैव डॉग एंड कैट बोथ। अब जो 10 स्टूडेंट्स थे उनके पास क्या था, कैट भी थी और डॉग भी था, कैट भी थी और डॉग भी था। ठीक है, ध्यान देना, एंड आ रहा है इसमें, कैट भी थी एंड डॉग भी था। देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और अ कैट एज देयर पेट एनिमल एट होम। मतलब ऐसे कितने बच्चे थे जिनके पास ना तो डॉग थी ना तो कैट था उनके घर पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी से क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डॉग को, और सी से क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैट को। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन करके, लेट डी डिनोट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डॉग, डी बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डॉग एज देयर पैट। ठीक है, एंड सी बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग कैट। क्लियर? तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली डॉग्स एज पैट्स, अब जिनके पास सिर्फ डॉग्स थे वो कौन से स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 8 तो है ही और 10 भी है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 28 में से 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डॉग है, प्लस 10 स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पास डॉग भी है और कैट भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास डॉग है तो 8 प्लस 10 करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग कैट तो 6 प्लस 10 करना पड़ेगा। तो ऐसे हमें टोटल नंबर मिलेगा जिनके पास ओनली डॉग्स है और ओनली कैट्स है। समझ में आ रहा है? फिर से देखते हैं क्या करेंगे हम, एन ऑफ डी इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डॉग्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स having only dog plus those having dogs and cats both, those having
डॉग्स एंड कैट्स बोथ, क्लियर? तो ऐसे कितने नंबर्स हो जाएंगे? तो एन ऑफ डी क्या हो जाएगा? देयरफॉर एन ऑफ डी इज इक्वल्स टू 8 + 10, यानी कि कितना हुआ? 18, ठीक है? वैसे ही हम सिमिलरली के लिए इस प्रकार का साइन यूज़ करते हैं, इस प्रकार का सिमिलरली के लिए दो पैरेलल लाइंस और ऊपर एल वाई, ठीक है? इसको क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं? सिमिलरली। सिमिलरली एन ऑफ सी यानी दोज हैविंग नंबर ऑफ कैट्स, दोज स्टूडेंट्स हैविंग ओनली कैट्स प्लस हैविंग डॉग्स एंड कैट्स बोथ। तो ऐसे कितने बच्चे जिनके पास सिर्फ कैट है? तो वो है 6, और जिनके पास कैट भी है और डॉग भी है ऐसे कितने हैं? 10। तो ये टोटल कितना हो गया? 16। मतलब हमको एन ऑफ डी मिल गया 18 और एन ऑफ सी हमको कितना मिल गया? 16। क्लियर हुआ सभी को? अब इसके बाद हमको क्या करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बोथ डॉग्स एंड कैट्स एज देयर पेट्स, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन, डी और सी का इंटरसेक्शन। देखिए यहाँ पर ये हमने एक निकाल लिया और ये दूसरा निकाल लिया। अब तीसरा देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बोथ डॉग्स एंड कैट्स एज देयर पेट। तो ऐसे कितने बच्चे हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे एन ऑफ डी इंटरसेक्शन सी, दैट इज इक्वल्स टू 10, ठीक है? 10 स्टूडेंट्स। तो उसने क्वेश्चन में ही कहा है कि जिनके पास दोनों भी एनिमल्स हैं, कैट भी है और डॉग भी है, ठीक है? तो अब हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में? हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और अ कैट एज देयर पैट एनिमल? तो डू नॉट हैव, डू नॉट हैव के लिए हमें सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? यूनियन निकालना पड़ेगा। ऐसे बच्चे पता करने पड़ेंगे जिनके पास दोनों हैं, है ना? तो उसके लिए हमें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा? यूनियन, डी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ऑफ डी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ डी इंटरसेक्शन सी। इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा? ओवरऑल मिल जाएगा, मतलब डी यूनियन सी मिल जाएगा। और फिर इस डी यूनियन सी को अगर हम टोटल यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना डॉग है ना कैट है। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए देखते हैं। तो एन ऑफ डी हमारे पास कितना है? 18 प्लस एन ऑफ सी हमारे पास है 16 माइनस एन ऑफ डी इंटरसेक्शन सी है 10। तो ये हमको कितना मिल गया? यहाँ में मिल गया 18 + 16, 6 + 8 = 14, 1 कैरी दिस इज 3, 34 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 2, 24। मतलब हमको एन ऑफ डी यूनियन सी कितना मिल गया? 24। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? डी यूनियन सी हमें मिल गया 24। तो अब हमको क्या निकालना है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव डॉग और अ कैट। तो वो क्या कहलाएगा? एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ डी यूनियन सी। तो एन ऑफ यू यानि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? 28 माइनस डी यूनियन सी, मतलब कितना हो गया? डी यूनियन सी हमारे पास कितना हुआ? 24। तो आंसर इज 4, ठीक है? तो हम लिख देंगे 4 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और अ कैट एज अ पेट। 4 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव
अ डॉग और अ कैट एस पेट. दिस इज योर आंसर. समझ में आया सभी को? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत इजी है अगर हम इसको अच्छे से समझें तो. ठीक है, क्या किया हमने? सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले जिनके पास ओनली डॉग्स थे और जिनके पास डॉग और कैट दोनों थे. तो नंबर ऑफ डी क्या हो गया? 8 + 10 दैट इज 18. वैसे ही हमने एन ऑफ सी निकाला, यानी ऐसे बच्चे जिनके पास कैट है एज अ पैट. तो 6 + 10 दैट इज 16. फिर उसके बाद हमें बताना था कि डी इंटरसेक्शन सी क्या होगा. तो ये तो उसने क्वेश्चन में ही दिया है कि ऐसे बच्चे जिनके पास डॉग भी है और कैट भी है एज अ पैट, तो वो क्या थे? डी इंटरसेक्शन सी दैट इज 10 स्टूडेंट्स. क्लियर? फिर हमें ये इक्वेशन पता है तो इस इक्वेशन से हमने डी यूनियन सी निकाल लिया. नंबर ऑफ डी यूनियन सी निकल गया 24. तो इस नंबर को हमने कैसे माइनस कर दिया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसके बराबर हो गया? यूनिवर्सल सेट के बराबर, मतलब 28 - 24. तो हमारे पास आंसर कितना आया? 4. मतलब 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ना तो डॉग है ना तो कैट है एज देयर पैट. क्लियर हुआ सभी को? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6. हम क्वेश्चन इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू.